हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये TCC लेंडिंग वॉलेट साइनअप का जो है पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। कैसे साइनअप करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पूरा चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात तो कि आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझे कॉल करके कि सर ईमेल आईडी कौन डालना है। जो TCC एक्सचेंज में जो ईमेल आईडी है वही डालना है सर। आप कोई भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप TCC एक्सचेंज में जो ईमेल आईडी है उससे भी साइन अप कर सकते हो, जो TCC एक्सचेंज में नहीं है किसी भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। देखो यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, लेंडिंग वॉलेट के जब आप वहाँ पे साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए नाम मांगा जा रहा है, उसके बाद ईमेल मांगा जा रहा है। जो नाम है आप अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ईमेल डाल दीजिएगा जो आपका ईमेल है, ठीक है। ईमेल सही सही डालिएगा, ठीक है ना। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड कैसे बनाना है मैं आपको अगले पेज में बताऊंगा। जो पासवर्ड डालेंगे उसी को दोबारा यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में लिखना है, ठीक है। और पास फ्रेज है, पास फ्रेज भी बनाना है आप लोगों को, मैं अगले अगले स्लाइड में आपको बताऊँगा। और कन्फर्म पास फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास फ्रेज यहाँ पे डालेंगे वही यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, क्रिएट वॉलेट हो जाएगा। आप कैसे बनाना है मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले नेम और ईमेल आईडी तो आप डाल ही लेंगे, पासवर्ड में चलता हूँ कि पासवर्ड कैसे क्या डालना है। देखो सबसे पहले एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे वार्निंग आ रहा है कि प्लीज़ नोट दैट योर पास फ्रेज इज नॉट नॉट स्टोर्ड ऑन दिस वेबसाइट। मतलब पास फ्रेज जो है ना आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर आप पास फ्रेज भूल गए ना तो फिर आपका TCC सारा चला जाएगा, कोई रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वेबसाइट पास फ्रेज को जो है स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है। आपको पास फ्रेज रखना होगा नोटबुक में लिख के, या फिर याद रखना होगा, ठीक है ना। पास फ्रेज अगर भूले तो आपका सारा TCC चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि पास फ्रेज जो है आप कहीं नोटबुक में लिख कर रखिएगा, और याद रखिएगा कि पास फ्रेज जो है कौन कैपिटल में है, कौन स्मॉल में है, कौन स्पेशल कैरेक्टर है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जब लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे अमित लिख रहे हैं पास फ्रेज में तो ए कैपिटल, ठीक है। तो जो कैपिटल है कैपिटल में ही लिखिएगा, इन्हें से नहीं अमित लिख दिए स्मॉल में फिर भूल जाइएगा ऐसे में, ठीक है ना। जो पास फ्रेज में जी जो वर्ड कैपिटल में है उसको कैपिटल में नोटबुक में लिख कर रखिएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पासवर्ड का मैं बता रहा हूँ, पासवर्ड कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पासवर्ड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड टोटल 10 डिजिट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो रोज एट द रेट ऑफ 879056 है ना, ये सब मिला के 10 होना चाहिए, 10 डिजिट का या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल डिजिट भी होना चाहिए। देखिए पासवर्ड में कैपिटल लेटर, मेरा आर रोज का आर देखिए कैपिटल लेटर में है ना, उसके बाद देखिए स्मॉल लेटर्स भी कहता है, तो ओ एस सी देखिए वो स्मॉल लेटर में है, स्पेशल कैरेक्टर देखिए एट द रेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर है, न्यूमेरिकल डिजिट 879056, देखिए सब चीज़ मिला के जो है मेरा पासवर्ड बना है, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरा भी यहाँ लिख सकते हैं ना, जैसे आपका आप कुछ और बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे गोपाल जी कैपिटल में लिखिएगा, OPAL स्मॉल में, ठीक है, एट द रेट यहाँ कुछ और डिजिट अपना लिख दीजिएगा। इस तरह से आप पासवर्ड बनाइएगा, ठीक है ना। टोटल 10 डिजिट होना चाहिए और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल डिजिट, ये सब चीज़ होना चाहिए आपके पासवर्ड में, और टोटल 10 डिजिट या उससे ज़्यादा होना चाहिए पासवर्ड में, ठीक है ना। तो काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि पासवर्ड कैसे बनाना है। देखिए पासवर्ड यहाँ कन्फर्म पासवर्ड, जो यहाँ पासवर्ड बनाया है उन्हीं को यहाँ पर नीचे कन्फर्म करना है, उसी को दोबारा यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। देखिए ये पासवर्ड का हो गया इशू, ठीक है। अब अगले चलते हैं पास फ्रेज पर। देखिए पास फ्रेज में क्या है कि पास फ्रेज में भी आपको जो है, पास फ्रेज में भी 10 डिजिट का होना चाहिए, इस जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल डिजिट होना चाहिए, और नीचे लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट पास फ्रेज, इफ़ फॉरगेट देन ऑल TCC लॉस्ट, नो ऑप्शन टू रिकवर इट। मतलब पास फ्रेज भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो आपका सारा TCC लॉस्ट हो जाएगा, चला जाएगा, और नो ऑप्शन, और इसको दोबारा पुनः रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये पास फ्रेज देखिए मैंने बनाया है, एस कैपिटल है ना, एक कैपिटल होना चाहिए, और बाकी आप जो है स्मॉल भी लिख सकते हैं, है ना, SONU, देखिए एस कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, और 432189 ये डिजिट है,
सब चीज़ का समावेश है इसमें। देखिए, और टोटल 10 डिजिट 10 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 10 डिजिट देखिए, 0 4 1 5 2 7 2 9 2 11 है ना, सब मिला के 10 से ज़्यादा है, तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं। और इसको आप नोटबुक में लिख कर रखिएगा ना, तो वहाँ पे देखिए एस कैपिटल है, तो नोटबुक में आप एस कैपिटल में ही लिखिएगा, ठीक है ना। इसको भूलना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर भूल गए तो आपका सारा TCC चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पास फ्रेज, यहाँ पे आप दूसरा भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आप दूसरा यहाँ पे जैसे मान के चलिए आप पास फ्रेज बना रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं सुनील, एस कैपिटल दीजिएगा, UNIL जो है स्मॉल दीजिएगा, एट द रेट दीजिएगा, यहाँ डिजिट बदल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ नाम दूसरा दे दीजिएगा, एट द रेट लगा दीजिएगा, और यहाँ पे डिजिट अपना बदल दीजिएगा, 6 डिजिट का डाल दीजिएगा, कुछ और चीज़ जो चीज़ लिखिएगा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और जो यहाँ पास फ्रेज डाले यहाँ पे कन्फर्म, वही पास फ्रेज यहाँ पे नीचे लिख देना है, ठीक है ना। और कैपिटल स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, नोटबुक में जब आप लिखेंगे सोनू तो एस कैपिटल में लिखिएगा, बाकी स्मॉल में लिखिएगा, इस तरह का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका सारा TCC चला जाएगा, ठीक है ना। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एस कैपिटल है और ONU स्मॉल है, एट द रेट ऑफ 432189, ठीक है ना। इस तरह से जो भी आप बनाएंगे पास फ्रेज उसको आप याद रखिएगा, और कैपिटल स्मॉल लेटर्स को भी आप लिखिएगा वहाँ पे नोटबुक में, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, देखिए पूरा चीज़ आ गया, ये देखिए वॉलेट में मैंने बना के रखा हूँ पहले से, गोपाल कुमार ऊपर मैं नाम लिख दिया हूँ, ईमेल देखिए यहाँ पे ईमेल जो है मेरा वो ईमेल डाल दिया हूँ, पासवर्ड देखिए पासवर्ड डल गया है ना, उसी कन्फर्म पासवर्ड देखिए, पासवर्ड देखिए सब आर कैपिटल में है मेरा, है ना। और नीचे देखिए और बाकी स्मॉल है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, और 87905 टोटल मिला के 10 से ज़्यादा है, 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। कन्फर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड को यहाँ पे दोहरा देना है, ठीक है ना। पास फ्रेज है सोनू, पास फ्रेज दूसरा बनाया हूँ एस सोनू @432189, ठीक है ना। कन्फर्म पास फ्रेज जो यहाँ पे बनाया हूँ उसी को यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। और ये पास फ्रेज भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसको मैंने नोटबुक में लिख के रख लिया हूँ, एस कैपिटल और ये सब चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप पास फ्रेज बनाएंगे उसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, इस बात का आप याद रखिएगा। और यहाँ पे नीचे टिक लगा दीजिएगा और क्रिएट वॉलेट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जब आप ईमेल डालते हैं ना तो ईमेल पर एक वेरीफाई इस तरह का ईमेल आएगा आपको, आपके ईमेल पर चेक कीजिएगा, ठीक है। वेलकम टू TCC, प्लीज़ क्लिक वेरीफाई, तो आप अपना ईमेल जो डाले हैं इसमें डालिएगा, उसमें देखिएगा एक ईमेल आएगा जस्ट 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई ग्रीन कलर पे क्लिक करना है आपको, जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके 1 मिनट के अंदर जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्लिक कर दीजिएगा, मेल खोलिएगा और ग्रीन कलर पे क्लिक कीजिएगा, आपका मेल वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुल्ली जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर मैं एक बता रहा हूँ, पास फ्रेज को भूलना नहीं, यदि भूल गए तो आपका सारा TCC चला जाएगा और दोबारा इसे आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी पास फ्रेज बनाए वह कॉपी या नोटबुक में लिख कर रखें, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, डोंट फॉरगेट पास फ्रेज, इफ़ फॉरगेट देन ऑल TCC लॉस्ट, नो ऑप्शन टू रिकवर इट, सो इट विल बी बेटर दैट राइट पास फ्रेज इन नोटबुक। पास फ्रेज जब आप लिखेंगे तो कौन लेटर स्मॉल में है नोटबुक में, जब आप लिखेंगे कौन लेटर स्मॉल में है, कौन लेटर कैपिटल में है, कहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, इन सभी को अच्छे से स्पष्ट रूप से आप नोटबुक में लिख कर रखिएगा, ठीक है ना, ताकि आप कभी भूल गए तो फिर आपका नोटबुक उस समय सहायता कर सकता है, ठीक है ना। तो इतना चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बनाया, अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा TCC लेंडिंग वेबसाइट में कैसे मुझे साइन अप करना है, ठीक है ना, और TCC कैसे ले जाना है उसके लिए मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। पहले आप साइन अप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। जब भी आपके पास आएगा TCC का लेंडिंग वेबसाइट का जो है लिंक आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें साइन अप कैसे करना है वो चीज़ मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से बताया है, ठीक है ना। बाकी अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे TCC ले जाना है, ठीक है ना। फिलहाल अभी इतना ही जानिए कि जो है TCC लेंडिंग वेबसाइट में कैसे साइन अप करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पास फ्रेज को कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया आपको, अब आप जो है आप इस चैनल को भी लाइक, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।